और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो काफी ढीला चल रहा है, लगता है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगी। ये लाइट है अब जलेगी, बिल्कुल सेवा हो रही है आपकी तो, दो हाथ हवा। आंटी आज तो आप थक गए होंगे। जनता मैं आपकी शरणा लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग, और आज के ब्लॉग का टॉपिक है कि कल है करवा चौथ और कल ही है इंडिया पाकिस्तान का मैच। फिलहाल तो मैं और मेरी दीदी जा रहे हैं कल करवा चौथ है तो उसकी शॉपिंग करने, तो लेट्स गो। तो गाइस यहाँ हम आ चुके हैं, कितने की है ये? 30 की, और ये वाली ये भी 30 की है। कितनी भीड़ लगी हुई है क्योंकि कल करवा चौथ है, सब लेडीज आई है। आंटी आज तो आप थक गए होंगे, आंटी बहुत ज्यादा थक गई है। यहाँ देखो लोगों ने कितनी तबाही मचा रखी है। अभी कितने बजे तक खुलेगी आज शॉप? 11:30 और आप कल भी खोलोंगे? और कल भी आपका वर्थ भी होगा। अरे देखो कितना हेडेक हो जाता है, ये तो है। ये आंटी सामान दे दो, यहाँ पे रख दिया मैंने। हमारा हिसाब कर रहे हैं भैया, थैंक यू। ऐसे निकल रहे हैं। ओके थैंक यू आंटी, बाय। स्कूटी कहाँ है? स्कूटी यहाँ पे, हर जगह है मेहंदी लगाने वाले। हमारा रामनगर छा रखा है सच में, टेंट वेंट लगा के। बिल्कुल सेवा हो रही है आपकी तो, दो हाथ हवा। क्या प्राइस है? 200 पर हेड। हम शॉपिंग करके आ चुके हैं और हमने आपको मेहंदी के प्राइस भी बता दिए, पर हम मेहंदी नहीं लगवाने वाले क्योंकि काफी रात हो गई है, फिर बाहर मेहंदी लगाना सही नहीं था, तो इसलिए हम कल ही लगाएंगे मेहंदी करवा चौथ के दिन। अभी मैं थक चुकी हूँ तो मैं सो जाती हूँ, आपसे मिलती हूँ सुबह सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, और बस अभी उठ के मुँह धो के मैं मम्मा की मेहंदी लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी शानदार मेहंदी, आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनकी कैसी मेहंदी लगाई है। मम्मी दिखाओ मम्मी, अच्छी अच्छी नहीं लगाई मैंने, बताओ नहीं अच्छी है ना, आर्ट है ये, आर्ट। कितने फाइन गोले बनाए मैंने, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फिलहाल मैंने मम्मी की मेहंदी लगा दी है, और जो मेरी दीदी की मेहंदी लगने वाली है तो वो मेरे गोले लगाने से मना कर रही है, कोई बात नहीं, मजा आया। इसलिए आज मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया और वो बहुत बढ़िया मेहंदी लगाने वाली है दीदी के, तो वो बस आने वाली होगी, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। और मैंने भी आज हाथ में मेहंदी लगाई ली है, बची थी तो मैंने भी लगा डाली। तो ये मेहंदी लगने वाली है, लगा लोगे? हाँ डन, प्रोफेशनल। तो दीदी के लगने वाली है इन प्यारे प्यारे हाथों में। मेहंदी लग चुकी है और सिनेमेटिक्स तो आपको दिख ही गए होंगे, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मम्मी ने मेरे को कुछ सामान लाने को कहा, तो पहले मैं वो लेके आ जाती हूँ क्योंकि फिर पूजा भी करनी है। पूजा का सारा सामान ले लिया, चावल चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने, ये है हमारा देसी तरीका। अब बिल बता दीजिए। थैंक यू भैया। क्या आप मौसम देख सकते हो, अंधेरा आने वाला है, फटाफट पूजा करनी है अंधेरा आने से पहले। नमस्ते अंकल, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। ये अंकल है इनकी हमने वीडियो बनाई थी जलजीरा वाली, तो सारा सामान आ गया। घास लानी है, छोटी छोटी घास, हरी घास, बढ़िया वाली लानी मासी, बढ़िया वाली ले आएंगे। हमें निकलना है, अंधेरा होने वाला है, पार्क चलते हैं। पार्क में से मिलते, तू चला, मैं चला, तू चला। ओके तू चला लेगी ना? हां डन, पक्का चला लेगी ना? हां हां हां, खत्म। प्लेजर नहीं है, व्हाटएवर, मैं ये नहीं चला पा रही स्कूटी। दे चाबी, दे चाबी। यहाँ पहुंच चुके हैं केशव द्वार पार्क, ये हमारा बचपन वाला पार्क है, हम बचपन में आते थे इस पार्क में। चल यही तोड़ लेते हैं। पूजा की घास थोड़ी सी लानी है, इसको क्या बोलते हैं, घास नहीं बोलते इसको, कुछ और बोलते हैं ना, दूबड़ा। दूबड़ा तो बचपन का पार्क है ये। बच्चे आ गए हैं, शाम हो गई है, खुशी खुशी जाओ बेटा, शाम का टाइम, पार्क का टाइम है। मम्मी ने एक चीज और कही थी, माचे, माचिस वहाँ से मिलेगी, वहाँ चलेंगे। चल, इससे अच्छी क्या कोई, ये बेस्ट है। कितने की है? 10 रुपए की, 70 रुपए। इस लड़की पे खुले पैसे नहीं है, है ना, देख चिल्ला रहा है। कोई मदद कर सके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शायद तुझे नहीं पता ना इसमें क्या है। नहीं यार, तो अभी तेरे को आगे जाके बताऊंगी मैं तो अच्छे से इसमें क्या चीज है, सरप्राइज है इसमें तेरे लिए। चलो
बस इतनी ही थी हमारी जर्नी, मुश्किल से 30 सेकंड में पहुंचा दिया मैंने। दोनों सामान आ चुके हैं, बस कोई गेट खोल दे। अब अभी तैयार हो गए हैं। मैं तो ले आई चीनी चावल, तो दुबड़ा दे दूं। बढ़िया वाली लाई, वो भी बढ़िया वाली। करवा चौथ का वर्त जो कार्तिक अष्टमी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। शायद चांद लेट निकलेगा। हाँ हो सकता है, बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है यार। यहाँ पूजा क्रिया समाप्त होते हुए, और मैं तेरे को बता रही थी ना डब्बे में क्या है, तो चल मैं तेरे को बताती हूँ उसमें क्या। आ जा, ये लाइटें है, ठीक है, ये लाइट्स हैं। हाँ अभी जलेगी ये लाइटें, अब जलेगी। नहीं ये बहुत बढ़िया है, 10 रुपए में। क्या चीज है इसमें? फूक मार बम होते है ना, फूक मार, ये उसका छोटा वर्जन है, फुस्सू मार। देखो पोल्यूशन भी नहीं हुआ और बढ़िया हो गया। यूज दिस क्रैकर, ये तेरे ले जाएगा कोई। ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, मेरी स्कूल की फ्रेंड, और इसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है दीदी के। और अब मैं इसको घर छोड़ने जा रही हूँ, काफी रात हो चुकी है, तो अभी चलते हैं। और हाँ गाइस, आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इंडिया ही जीतेगी क्योंकि आज करवा चौथ है और सब लेडीज ने व्रत रखा है। विराट कोहली, धोनी, रोहित, पांड्या, सबकी वाइफ ने व्रत रखा है, तो इसलिए वो हमारी टीम जरूर जीतेगी। एकदम मैं आपको रात में मिलूंगी जब चांद निकल जाएगा। देख सकते हो आप, टाइम हो चुका है 10 और अभी तक चांद नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इस समय हवाएं चल रही है, हल्की हल्की बूंदें आ रही है। बट आज हमारा दिन इसलिए कट रहा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इंडिया अपनी बैटिंग कर चुकी है 150 बना के, और अब पाकिस्तान आने वाला है अपनी बैटिंग करने के लिए। देखते हैं कि तगड़ा कॉम्पिटिशन होगा, देखते हैं कि कौन जीतता है। फिलहाल अभी तो चंदा मामा नहीं निकले है, आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। तो यहाँ मम्मी ने अपनी थाली रेडी कर लिया आरती की, देखो कितना प्यारा कितना सुंदर करवाए ये। बहुत बढ़िया, खुशी की न्यूज है, चांद आ चुका है फाइनली। 10:30 बजे चांद आ गया। चांद पहले आ गया था, वो बादलों में छुपा हुआ था बारिश की वजह से। ये मम्मी चांद को देखते हुए पानी पी रही है। गाइस आप देख सकते हो बहुत तेज हवा चल रही है, और इस तेज हवा में हमने ये करवा चौथ का जो प्रोसेस है चांद वाला हमने पूरा कर लिया है फाइनली। और अब हम जा रहे हैं नीचे क्रिकेट देखने, तो लेट्स गो। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो काफी ढीला चल रहा है, लगता है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगी। No, God, please, no, no! पर कोई बात नहीं, आज एक तो अच्छा काम हुआ है कि हमने चांद देखा है, हमने इस फंक्शन को अच्छे से अटेंड किया है, पूरा किया है। और फिलहाल गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।